हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लेक्चरर का प्री एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और अब आपको इंतजार है इसके मेंस एग्जाम का। तो आज का हमारा वीडियो उसी विषय पर है। दोस्तों, आज मैं आपको इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की वो बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरियाँ इस विषय पर मुझे आई थी। तो हमने इस विषय पर आयोग से और आयोग में कार्यरत कुछ शीर्ष व्यक्तियों से बात करी, तो उससे जो डेट यहाँ पर निकल के आ रही है वो आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत छोटा है, पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से संबंधित हो या मेरिट से संबंधित हो या फिर एग्ज़ाम डेट्स या रिज़ल्ट से संबंधित हो, सभी जानकारियाँ टाइम पर ही नहीं, टाइम से पहले दी जाती हैं और सबसे पहले दी जाती हैं। और दोस्तों, आप में से कई लोग मुझसे उन विषयों पर भी क्वेरी लेते हैं जिन टॉपिक्स पर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं। तो जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सकें। और दोस्तों, आप जानते हैं कि चैनल पर आपको LT का जो रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है वो भी अवेलेबल कराई गई थी, और साथ ही फॉरेस्ट गार्ड की जो रिज़ल्ट डेट है वो भी चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी गई है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वार्ता से जो निष्कर्ष निकल के आया, अगर उसे माने तो एग्ज़ाम होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, और दोस्तों 15 अक्टूबर से पहले होने के बहुत कम चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में है, और अगर मैं इसमें भी कहूं तो 20 से 25 अक्टूबर के बीच में हाई चांसेस हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कराना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत से फैक्टर्स जुड़े होते हैं, और अगर किन्हीं कारणों से अक्टूबर में पेपर नहीं हो पाता है तो नवंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में पेपर ज़रूर हो जाएगा। अगर मैं परसेंट में आपको बताऊं तो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में केवल 30% चांसेस हैं, और 15 से 30 अक्टूबर के बीच में अगर हम कहें तो 100% चांसेस हैं। अगर कितना भी आगे जाते हैं तो 15 नवंबर तक भी अगर देखते हैं तो 1 से 15 नवंबर के बीच में अगर हम बात करें तो 50% चांसेस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये राय दूंगा कि आप 15 अक्टूबर को लेके चलें, अपनी तैयारी 15 अक्टूबर के हिसाब से करें, क्योंकि उसके आसपास में पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है, और सबसे ज़्यादा चांसेस भी अक्टूबर में ही पेपर होने के हैं। तो कुछ बच्चे जो कन्फ्यूज थे कि पेपर नवंबर में जा सकता है, तो नवंबर के चांसेस बहुत कम है, हाई चांसेस अक्टूबर के ही हैं। तो दोस्तों, समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो अभी से ही लग जाइए और दिखा दीजिए दुनिया को व्हाट यू कैन। आप सभी को परीक्षा के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। इस चैनल पर आपको आपकी सभी क्वेरीज का जवाब दिया जाता है, और चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे मैं दोबारा कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चाहे प्रवक्ता के एग्जाम की अगर फाइनल डेट की बात हो और चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित अन्य विषय की कोई भी अपडेट हो, आपको सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।